बच्चे आ रहे हैं वापस? देखिए, रात में मुंबई फ्लाइट से 6 बच्चे आए हैं, जिसमें एक बच्चा दिल्ली जाएगा और 5 बच्चे वार हैं जो 10 बजे आ जाएंगे। और कुल जो हम सबों का आकलन है, 273 बच्चे भारत के यूक्रेन में हैं। और बिहार का कई खेप में बच्चे यूक्रेन से लौट रहे हैं और मुझे लगता है कि धीरे धीरे सभी बच्चे आ जाएंगे। 273 बिहार के बच्चे हैं। हाँ, कुल जो एक संकलन जो हम लोग किए हैं, अलग अलग जो विभिन्न सूचनाएं हैं उस आधार पर, और आज कई खेप में बच्चे दिल्ली आ रहे हैं और दिल्ली का ये प्रथम खेप है जिसमें 7 बच्चे इसमें हैं। इनका खर्च राज्य सरकार वहन कर रही है? हाँ, निश्चित तौर पर वो राज्य सरकार वहन कर रही है। और मुंबई से भी जो बच्चे आए हैं, बिहार फाउंडेशन के हम अध्यक्ष हैं और बिहार फाउंडेशन उसको सारा प्रबंध कर रहा है। और दिल्ली और मुंबई में दोनों में बिहार सरकार पूरा खर्च भी वहन कर रही है और हर व्यवस्था कर रही है। हमारे अधिकारी मुंबई के एयरपोर्ट पर भी रिसीव कर रहे हैं, दिल्ली के एयरपोर्ट पर रिसीव कर रहे हैं। आप ही देख ही रहे हैं कि सरकार के सभी बड़े मंत्री आज उन्हें रिसीव करने के लिए उपस्थित हैं। और इसके लिए हम भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को हृदय से धन्यवाद देते हैं। उन्होंने देश के बच्चों के लिए जिस प्रकार से पहल की है, ये हम सबों को गौरवान्वित करता है। और भारत का आज वैश्विक स्थिति में क्या प्रभाव है वो दिखता भी है। और बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के प्रति भी हम आभार प्रकट करेंगे। उन्होंने बिहार के बच्चे सकुशल कैसे लौटे, भारत सरकार से बात करके और दिल्ली और मुंबई से लेकर पटना तक की सारी व्यवस्था में उन्होंने जो आवश्यक निर्देश है उन्होंने दिया है। सर, अभिभावकों से बात हो रही थी, बड़े परेशान थे, अब आप? नहीं, स्वाभाविक है। देखिए, जो हालात बने हैं उसमें स्वाभाविक है, यह परेशानी तो स्वाभाविक है, लेकिन उस परेशानी में से भी कहीं ना कहीं आशा की किरण हमारी सरकार, भारत सरकार और बिहार सरकार ने दिखाई है। और हम सबों ने पूरी ईमानदारी से बच्चे कैसे भारत लौटे, बच्चे कैसे बिहार आए, इसके लिए प्रबंध किया है। आना है अपना पासपोर्ट साथ रखिए और पूरा इंतजाम करेगी। हम सब सीएम साहब संजय झा जी, हम उसके स्वागत के लिए यहाँ पहुँचे। उनको क्या हो गया? अच्छा, उनका काम बयान देने को ही जारी कर दी गई थी, लेकिन जो छात्र वहाँ रह गए उनको लाने की पूरी कोशिश की जा रही है। सिर्फ हम ही नहीं, कोई भी देश होगा अपने नागरिक की पूरी चिंता करेगी, चाहे उनको ऐसा विपक्ष न मिला हो। ये तो हर चीज में राजनीति करते हैं, इसमें कम से कम राजनीति न करें। विधानसभा सत्र चल रहा है, उसमें जो भी राजनीति करनी है, नारेबाजी अपना करते रहते, वो सब करें, लेकिन ये सेंसिटिव मसला है, इस पर विपक्ष को सलाह है जरा सोच समझ के बोलिए, क्योंकि बहुत लोगों के बच्चे फंसे हुए हैं और इससे पैनिक फैलेगा। ज़्यादा पैनिक मत फैलाइए। मुख्यमंत्री ने कोई खास संदेश दिया है छात्रों के लिए? नहीं, बिल्कुल दिया है। जब से ये घटना हुई, वो नज़र रखे हुए हैं, जो जैसे बताया शाहनवाज जी ने, बिहार फाउंडेशन और जो बिहार भवन है दिल्ली में, डेडिकेटेड नंबर वहाँ से दिया है। डेटा कोई नहीं है पूरा कि कहाँ बच्चे हैं, कितने बिहार के बच्चे हैं। जैसे जैसे जानकारी आ रही है, करीब 280 बच्चों की जानकारी आई है जो बिहार के हैं, वहाँ पर फंसे हुए हैं, तो उनसे कोऑर्डिनेट किया जा रहा है। और जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री है, वहाँ जो सिचुएशन रूम है, वहाँ बिहार के ऑफिसर्स बैठ करके भारत सरकार के साथ कोऑर्डिनेट कर रहा है। और जैसे बताया शाहनवाज जी ने कि बिहार सरकार, चाहे मुंबई हो चाहे दिल्ली हो, उनको वहाँ से अपने खर्चे पर पटना लाना और पटना से उनको घर तक पहुँचाना, ये काम यहाँ से करें।